मैं डॉक्टर नाजिम खान, डिवीज़न ऑफ लाइफस्टॉक फार्म कम्प्लेक्स, FVSC एंड AS कॉस जे आरएसपुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा कि साइलेज मुर्गास कैसे बनाया जाता है, किन फसलों का साइलेज अच्छा बनता है और अच्छा साइलेज बनाने की विधि क्या है। साइलेज सीरियल क्रॉप्स जिनमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारी मेज़ हो गई, मक्का, ओट हो गई, जवी, सॉर्गम हो गई, इसका, इन क्रॉप्स का साइलेज अच्छे से बन सकता है। साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने फसलों का चुनाव किया, इसको किस स्टेज में काटना चाहिए। मेज़ की बात करें तो दुधारू अवस्था में, मिल्क स्टेज में हमें फसल को काटना है। सॉर्गम की बात करें या फिर ओट्स की बात करें तो डफ स्टेज में हमने इन क्रॉप्स को काटना है। किस वक्त हमें काटना चाहिए? हमें 11 से 12 बजे के दोपहर के समय काटना चाहिए, क्योंकि इस समय फसलों में सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स, गुलसन शीरे की मात्रा अधिक रहती है। काटने के बाद हम इसकी कुतरन कर लेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर की, और फिर हम इसमें नमी जो है वो 65% होनी चाहिए, ड्राई मैटर 30 से 35% होना चाहिए। इस नमी को हम कैसे नापें, इसके लिए एक फील्ड ग्रैप टेस्ट होता है। जो कुतरन किया हुआ हमारे पास फसल होगी, जो घास होगा या जो क्रॉप होगी, उसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ में पूरा दबा लेंगे। फिर आहिस्ते से जब हमने हाथ खोला कि अगर ये जो हमारी लड्डू बना हुआ है क्रॉप का, अगर ये पूरा बिखर जाता है तो इसका मतलब कि इसमें मॉइस्चर कम है, और ये अगर लड्डू बना रहता है तो इसका मतलब इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, और ये अगर आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है, इट मींस के इसका मॉइस्चर कंटेंट जो है प्रॉपर है। ये आ गया नमी मापने का तरीका। इसके बाद अच्छा साइलेज बनाने के लिए हमें इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जिनको हम साइलेज कंडीशनर भी कहते हैं। सबसे पहले आ गई हमारा राब, उसको शीरा भी कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे मोलेसिस कहते हैं। ये 8 से 10 रुपये प्रति किलो आता है। इस मोलेसिस को हमने 1 से 3% के मात्रा में जो कुतरन की हुई हमारी क्रॉप है उसमें ऐड करना है। इससे क्या होगा कि सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स जो कम हैं वो उसमें बढ़ जाएंगे, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रॉपर होगी और प्रॉपर साइलेज बनेगा। दूसरी चीज़ आ गई नमक। नमक हमने 0.5% डालना है, कि 100 किलो अंदाजन हमने क्रॉप की कुतरन की है तो उसमें 500 ग्राम, 0.5% नमक हम डाल देंगे। इससे उसमें पैलेटेबिलिटी बढ़ती है और दूसरी फफूंदी होने के चांस उसमें कम हो जाते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो है साइलेज इनोकुलेंट। साइलेज इनोकुलेंट हम, ये मार्केट से मिलेगा, हमें डोज़ अनुसार हमें वो ऐड करना है। ये ऐड करने से साइलेज की कीपिंग क्वालिटी जो है वो बढ़ जाती है। ये जो चीज़ें मैंने बताई अभी, साइलेज कंडीशनर जिसको कहा है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रॉप में। उसके बाद अगला स्टेप रहता है कि हमने इसको एक साइलो में डालना है। साइलो वह उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हम साइलेज बनाते हैं। ये साइलो अलग अलग प्रकार का आ गया। एक आ गया थैली साइलो, जिसको हम साइलो बैग कहते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 250 किलो का साइलो बैग है। वैसे ही एक ट्रेंच साइलो होता है, जिसको हम हिंदी में खंदक साइलो कहते हैं, या एक पिट साइलो होता है जिसको हम गड्ढा साइलो कहते हैं, और वैसे ही एक टावर साइलो होता है। अब जब हमने इस साइलो बैग की बात करें, अगर इसमें हम जो कुतरन की हुई क्रॉप जो हम डालेंगे, इसमें हमने इस हिसाब से डालना है कि इसमें कोई भी हवा ना रहे। जितनी हवा हमारी कम रहेगी उतना ही साइलेज हमारा बढ़िया बनेगा। अच्छी तरह से भरने के बाद हम इस पे बंदे को ट्रैम्पलिंग भी करवा सकते हैं, ताकि इंश्योर हो जाए कि हवा निकल चुकी है। इसके बाद हम इसको अंदर एक, इसके एक और लिफाफा होता है, उसको हम पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद हम उस पे थोड़ी सी पराली या पो डाल देंगे, ताकि इंश्योर हो जाए कि हवा अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जा सके। 30-35 दिन के बाद हमारा साइलेज जो है तैयार हो जाएगा। अब साइलेज क्यों बनाना है, इसके फ़ायदे क्या हैं? साइलेज बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हम ग्रीन सकुलेंट फॉडर पूरे साल हम जानवर को दे सकते हैं।
ऐसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की बात करें तो साल में दो सीजन ऐसे आते हैं लीन सीजन जिनको कहा जाता है, जिसमें हरे चारे की मात्रा जो है बहुत कम हो जाती है। हम जानते हैं कि खरीफ में हमारे पास मक्की चरी आती है और रबी में जनवरी के दिसंबर जनवरी में हमारे पास ओट्स होते हैं, बरसीम होती है, लेकिन जो बीच वाला गैप पीरियड है, लीन पीरियड है, उसमें हरा चारा जानवर को मिल सके ताकि उसकी प्रोडक्शन मेंटेन रहे, उसकी इम्यूनिटी मेंटेन रहे, उसके लिए हम ये साइलेज बनाते हैं। अच्छा, अगर हम पिट साइलो बना रहे हैं, मैं साइलेज बना रहे हैं, तो हम उसको कितना खोलें? अगर हमारे जानवरों, बहुत सारे जानवर हैं और उन सबको हमने ये ग्रीन फॉडर खिलाना है, ये साइलेज खिलाना है, तो हम क्या करेंगे कि रोज़ कम से कम 10-15 सेंटीमीटर की लेयर जो है पिट साइलो है या खंदक साइलो है उसमें से निकाल लेंगे ताकि फफूंदी होने के चांस कम हो जाएं। शुरू में हमने साइलेज को थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है और आहिस्ता आहिस्ता जब जानवर उसके साथ एक्लेमेटाइज़ कर जाएगा तो हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। 1-2 किलो से शुरू करके हम 8-10 किलो या 15-20 किलो तक साइलेज को खिला सकते हैं। अगर हम इस पैकेट को ना खोलें तो 6-7 महीने तक हम साइलेज को आराम से स्टोर कर सकते हैं ताकि जब लीन पीरियड आए उस वक्त हमारे जानवरों के लिए हरा चारा जो अवेलेबल हो।